Yes, assalamu alaikum. Today now this is about the topic number 13.1, human skeleton. Okay, what is human skeleton? सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं skeleton को. Skeleton की अगर हम बात करें तो हमारे पास skeleton की two categories होती हैं, जिसमें अगर हम देखें तो first category जो है हमारे पास वो होती है endoskeleton. Endoskeleton और जो सेकंड कैटेगरी है वो हमारे पास होती है एक्सो स्केलेटन. अब ये दोनों जो हैं ये अलग चीजें हैं, एंडोस्केलेटन और एक्सो स्केलेटन ये अलग अलग हैं. अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करें तो ये एक ऐसा स्केलेटन होता है जो इनसाइड द बॉडी होता है, जबकि अगर हम एक्सो स्केलेटन की बात करें तो एक्सो स्केलेटन जो है ये आउटसाइड द बॉडी होता है. ठीक है जी. एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो एंडोस्केलेटन जो है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स वगैरह और सर्टेन हायर एनिमल्स, इनका जो स्केलेटन होता है वो इनसाइड होता है. जैसे लाइक हम लोग अपना भी देखें तो हमारा स्केलेटन इनसाइड है, तो हमारा जो है वो एंडोस्केलेटन है. और अगर हम आर्थ्रोपोड्स वगैरह की बात करें, जैसे ये कॉकरोच वगैरह, ठीक है, तो उनको अगर हम देखें तो उनका जो स्केलेटन है वो आउटसाइड होता है, जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं. ठीक है जी. तो फर्दर अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास होगी ना इसकी कैटेगरीज. अब हमने ये देखना है कि व्हाट इज स्केलेटन, स्केलेटन है क्या. स्केलेटन जो है ये फ्रेमवर्क होता है हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स का, यानी कि आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स, जैसे यानी जॉइंट्स वगैरह की अगर हम बात करें. ठीक है जी. तो हार्ड होता है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट्स जो है वो एसोसिएट होते हैं बोन्स वगैरह पे, ये मुश्तमिल होता है. ठीक है. काम इसका क्या है स्केलेटन का, कि हमारी जो बॉडी है इसको मूवमेंट प्रोवाइड करनी है, अटैचमेंट प्रोवाइड करनी है मसल्स के साथ, और इस जो हमारी फिजिकल मूवमेंट, हमारी जो सारी प्रोटेक्शन है बॉडी की, वो इस स्केलेटन के जरिए ही परफॉर्म होती है. यानी कि स्केलेटन का मेन रोल आता है हमारी प्रोटेक्शन में, बॉडी की प्रोटेक्शन मूवमेंट और अटैचमेंट मसल्स के साथ, जिससे हमारी मूवमेंट जो है वो परफॉर्म होती है. तो इसके बाद हमारे पास इसमें ये टू कैटेगरीज आ गई थी, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, जिसको हमने डिस्कस किया यहाँ पे. तो स्केलेटन की अगर हम बात करें तो स्केलेटन जो है इसमें, मैं जैसे ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेन इसमें जो कंपोनेंट है स्केलेटन का, वो हमारे पास है बोन्स, जो कि स्केलेटन को बनाती है. हमारा पूरा स्केलेटन जो बनता है वो बोन्स के जरिए बनता है. और जब बोन्स जिस पोजिशन पर आकर आपस में मिलती हैं, लाइक अगर हम ये बात करें कि ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, अब इन्होंने आकर एक पोजीशन पे मिलना लाइक इस तरह से, तो ये जो चीज़ होगी ये जॉइंट होगा. ठीक है जी. तो बोन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं जॉइंट्स के जरिए. ठीक है जी. तो अब अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स जो हैं इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को रिपेयर भी कर सकती हैं. ठीक है जी. यानी कि स्केलेटन की एक यानी प्रॉपर्टी होती है कि ये रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, रिकवरी हो सकती है अगर कहीं से डैमेज हो जाए. ठीक है. तो इसके अलावा बोन्स की अगर हम बात करें तो बोन्स जो हैं ये एज वेल एज, जैसे कि अगर हम बात करें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं. इसी के साथ साथ जो बोन्स हैं वो रेड और वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इसी के साथ अपने अंदर मिनरल्स जो हैं उनको स्टोर करती हैं. मिनरल्स में मेनली कैल्शियम वगैरह, फॉस्फोरस वगैरह. ठीक है. तो हमारे पास हो गया एक स्केलेटन जो है उसका मेन टॉपिक. इसके अगर हम फर्दर सब टॉपिक की बात करें, यानी 13.1.1, तो वो है हमारे पास अबाउट रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम. रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम का रोल क्या है? स्केलेटल सिस्टम का रोल, इसकी अगर हम बात करें तो जैसे पहले भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये ह्यूमन स्केलेटन का जो टॉपिक था इसमें, कि जो स्केलेटल सिस्टम है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन. इसी के साथ साथ जो फिजिकल मूवमेंट होती है, फिजिकल मूवमेंट, और इसके साथ साथ अटैचमेंट टू द मसल्स, अटैचमेंट टू द मसल्स, तो ये इसका मेनली रोल होता है. अब इसके इसमें अगर हम देखें तो मेनली हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन की बात करते हैं, फिजिकल मूवमेंट्स और जो अटैचमेंट टू द मसल, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि
जो बोन्स हैं ये मसल्स के साथ एसोसिएट होती हैं, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो फिर इनकी मूवमेंट जो है उसको परफॉर्म करवाते हैं। प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें कि जो स्केलेटल सिस्टम है इसका प्रोटेक्शन में क्या रोल है, तो अगर हम देखें हमारा जो स्कल है, ये ब्रेन जिसके अंदर पैक्ड है, स्कल स्कल जो है ये एक ऐसी यानी बोन है जो हमारे जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करती है। इस ये जो हमारा ऊपर सरफेस है ये सारा स्कल है जिसके अंदर ब्रेन जो है वो कवर्ड है। इसके बाद अगर हम देखें तो वर्टिब्रास, वर्टिब्रास वर्टिब्रा जो है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी बैक साइड पे होता है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें रिब्स की, रिब्स जो हमारे ये फ्रंट रीजन पे होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ये जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं इनको प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी किस्म की डैमेजिंग से, कि उनको कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो हर बोन जो है वो किसी एक खास हिस्से को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। जैसे स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इसी के साथ साथ जो रिब्स हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स जिसमें लंग्स वगैरह, हार्ट वगैरह, स्टमक वगैरह, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारा जो है हमारे पास इसका रोल होता है स्केलेटल सिस्टम का, कि इसका कहाँ कहाँ पे क्या क्या रोल है। हर जो बोन है वो स्पेसिफिक ऑर्गन या कोई पार्ट है हमारी बॉडी का उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास 13.1.2, वो है हमारे पास अबाउट बोन एंड कार्टिलेज। थर्टीन पॉइंट वन पॉइंट टू बोन एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज इसमें फर्क, यानी इसमें ये तो हम डिस्कस करेंगे, इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बोन, कार्टिलेज क्या होता है। इन दोनों का मेनली रोल यही होता है कि इन्होंने हमारे जो स्केलेटन है उसको मेंटेन करना है, ठीक है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसको मेंटेन करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। सबसे पहले जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो हमारे पास है कार्टिलेज, व्हाट इज एन कार्टिलेज। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्टिलेज को। कार्टिलेज है क्या? कार्टिलेज जो है ये एक डेंस डेंस ब्लू वाइट या वाइट ब्लू फर्म कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज जो है हमारे पास इज अ डेंस क्लियर ब्लू व्हाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है जी, यानी ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का जो काम है वो कनेक्शन होता है, यानी कि होल्ड करना। तो ये ब्लू व्हाइट फर्म ब्लू व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू है जो कि डेंस होता है बहुत ज़्यादा। और इस अब कार्टिलेज की एक और खास बात क्या है, कार्टिलेज जो है ये बोन्स की तरह स्ट्रोंग नहीं होता, बल्कि ये बोन्स से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, वीक होता है, क्योंकि इसको ईजिली तोड़ा जा सकता है, ठीक है जी, इतना हार्ड नहीं होता। तो ये हो गया हमारे पास कार्टिलेज की डेफिनेशन। इसके बाद अगर हम देखें कार्टिलेज की कार्टिलेज को अगर हम फर्दर डिस्कस करें, तो कार्टिलेज जो है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें मौजूद होते हैं सेल्स, कार्टिलेज में मौजूद होते हैं सेल्स, और जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं कोंड्रोसाइट्स। कोंड्रोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ कार्टिलेज, कि जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोंड्रोसाइट्स। अब अगर हम इसके थोड़े से स्ट्रक्चर को देख लें तो हमें ये पता लगता है कि जो कोंड्रोसाइट्स द सेल्स ऑफ कार्टिलेज ये कहाँ पे मौजूद होते हैं। कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर है इसमें मौजूद होते हैं मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैट्रिक्स जो है इनके दरमियान में एक स्पेस होती है, और इस स्पेस के अंदर जो है वो मौजूद होता है फ्लूइड, यानी लिक्विड पोर्शन। अब ये जो स्पेस फ्लूइड स्पेस है, यानी ऐसी स्पेस जिसमें फ्लूइड मौजूद है, इस फ्लूइड स्पेस को बोलते हैं लैक्यूना,
इस कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। तो हमें पता लग गया कि कार्टिलेज जो है इसका स्ट्रक्चर जो है इसमें मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स के अराउंड जो स्पेस होते हैं उसमें फ्लूइड होता है जिस कैविटी को बोलते हैं लैग्यूना, और इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। तो लाइक अगर हम कार्टिलेज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें तो वो इस तरह से होता है। इस तरह से के मैट्रिक्स बने होते हैं, ठीक है, और मैट्रिक्स के दरमियान जो कैविटी है उसमें फ्लूइड होता है और उसमें मौजूद होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। अब कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज में कैलोजिन फाइबर्स भी मौजूद होते हैं जो कि इनकी स्ट्रेंथिंग में रोल प्ले करते हैं, कैलोजिन फाइबर्स। और एक और बात नोटेबल ये है कि जो कार्टिलेज होते हैं उनमें किसी भी किस्म की जो ब्लड वेसल है वो एंटर नहीं होती, यानी नो ब्लड वेसल, ठीक है जी। कार्टिलेज जो है इसकी थ्री टाइप्स होती हैं जिसको हम फर्दर अब डिस्कस करते हैं। कार्टिलेज इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट जो टाइप है इसकी वो हमारे पास आ जाती है हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, ये हमारे पास इसकी है फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है जी। सेकंड कैटेगरी आती है हमारे पास इसके पास इलास्टिक कार्टिलेज। थर्ड कैटेगरी हमारे पास फाइबरस कार्टिलेज। यानी कि ये थ्री काइंड्स के मेनली कार्टिलेज होते हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया हायलिन कार्टिलेज, सेकंड हमारे पास है इलास्टिक कार्टिलेज, और थर्ड हमारे पास है फाइबरस कार्टिलेज। अब हम हायलिन कार्टिलेज को देखते हैं। हायलिन कार्टिलेज जो है इसकी अगर हम फर्स्टली बात कर लें, हायलिन कार्टिलेज जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है, यानी बहुत ज्यादा मजबूत होता है, येट फ्लेक्सिबल, यानी कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है जी, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मौजूद होती है और स्ट्रोंग होता है। ये कहां पे पाया जाता है? ये लार्ज बोन्स का जहां पे एंड होता है वहां पे उसकी जो कवरिंग होती है लार्ज बोन की, जहां पे उसका एंड होता है वहां पे ये मौजूद होता है। लाइक अगर हम देखें लार्ज बोन्स, हमारे पास ट्रेकिया है, ठीक है, इसके बाद जो लैरिंग्स है, ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब्स, हमारे पास नोज, इनकी जो ये बोन्स होती हैं लार्ज बोन्स के जो एंड्स होते हैं उसकी जो कवरिंग होती है वो हायलिन कार्टिलेज से होती है, ठीक है जी। यानी हायलिन कार्टिलेज जो है ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल, और मौजूद कहाँ पे होता है? जहाँ पे जो लार्ज बोन्स यानी लॉन्ग बोन्स के जो एंड होता है वहाँ पे जो कवरिंग होती है वो होती है हायलिन कार्टिलेज की, जिसमें मेनली एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम देखें नोज की बोन्स, ठीक है, लेरिंग्स वगैरह, ट्रेकिया वगैरह, ब्रोंकियल ट्यूब्स वगैरह, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है इलास्टिक कार्टिलेज की। इलास्टिक इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है हायलिन कार्टिलेज से। यानी कि ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम सिमिलर होता है हायलिन कार्टिलेज के, जिस तरह का हायलिन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है इसका भी जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज का भी उसी तरह से होता है। बस एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ये आ जाता है कि जो इलास्टिक कार्टिलेज हैं इनमें कैलोजिन फाइबर्स तो मौजूद होते हैं, कैलोजिन फाइबर्स तो प्रेजेंट होते हैं, पर इसके साथ साथ इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स। तो वो इलास्टिक फाइबर्स जो इसमें मौजूद होते हैं वो इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा देते हैं। जब इसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है तो ये जो है इसको बोलते हैं फिर इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर है वो तो सिमिलर है हायलिन कार्टिलेज से, पर ये थोड़ा सा इसमें इलास्टिसिटी होती है। वो इलास्टिसिटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो ऐड होते हैं एज़ कम्पेयर टू कैलोजिन फाइबर्स के। कैलोजिन फाइबर्स भी मौजूद होते हैं और इसके एडिशन में इलास्टिक फाइबर्स भी जो हैं वो मौजूद होते हैं। और ये पाया कहाँ पे जाता है? ये मेनली हमारा जो ये पीना वगैरह, ठीक है,
ये यहाँ पे ये मौजूद होता है, और एपिग्लोटिस, ये हमारा जो एपिग्लोटिस है यहाँ पे, और जो पीना ईयर ईयर का जो पीना है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी बनती है फाइब्रस कार्टिलेज की। फाइब्रस कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज जो है ये भी इज आल्सो अ टाइप ऑफ कार्टिलेज। इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा यानी कि टफ होता है, टफ होता है और फ्लेक्सिबल नहीं होता, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है, जबकि ये बहुत ज़्यादा यानी टफ होता है। टफ क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कैलोजिन फाइबर्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जो है कैलोजिन फाइबर्स की अगर हम बात करें तो कैलोजिन फाइबर्स में बहुत ज़्यादा यानी पाए जाते हैं नीटेड फॉर्म, और ये जो हमारे इंटर वर्टिब्रल डिस्क हैं यानी अगर हम बात करें इस तरह से, ये लाइक इस तरह से, ये जो हमारे इंटर वर्टिब्रास होते हैं इनमें जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क हैं लाइक इस तरह से, ये जो शो किया मैंने ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क, तो ये जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क हैं यहाँ पे जो है ये फाइबरस कार्टिलेज मौजूद होते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा और ये टफ होते हैं, इनमें फ्लेक्सीबिलिटी जो है वो कम होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो बोन्स का स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है, कार्टिलेज को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे बोन को, कि व्हाट इज बोन। बोन्स की अगर हम बात करें तो बोन्स का हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सी काइंड्स होती हैं बोन्स की। कुछ बोन्स जो हैं वो शॉर्ट होती हैं, कुछ जो होती हैं वो लॉन्ग बोन्स होती हैं, कुछ फ्लैट बोन्स होती हैं, ठीक है जी। तो ये कैटेगरीज होती हैं, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, ठीक है जी। तो इसमें अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास आ गई ना जी कैटेगरी बोन्स की। अब हम बोन्स के फंक्शन की बात कर लेते हैं कि बोन्स का फंक्शन क्या है। बोन्स का फंक्शन क्या है कि ये हमारी बॉडी जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, फिजिकल मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं मसल्स के साथ, ठीक है जी। इसी के साथ साथ बोन्स जो है वो रेड और वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करती हैं और अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करती हैं, जैसे मेनली कैल्शियम वगैरह, फॉस्फोरस वगैरह, ठीक है जी। यानी कि बोन्स का सिर्फ काम यही नहीं है कि उन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, मूवमेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है, बल्कि एज वेल एज जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी में जो रेड और वाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी फॉर्मेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इसी के साथ साथ जो कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं इनको भी अपने अंदर स्टोर करती हैं। बोन्स की जो पार्ट्स हैं इनके लिहाज से इसकी टू कैटेगरीज बनती हैं, जैसे एक हो गया हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन, एक होती है कॉम्पैक्ट बोन और एक होती है हमारे पास स्पॉन्जी बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन है ये हमारे पास हार्ड आउटर लेयर होती है, क्योंकि जो बोन है इसकी टू लेयर्स होती हैं लाइक इस तरह से। जो आउटर लेयर है वो हार्ड होती है बहुत ज्यादा, आउटर लेयर जो हार्ड होती है थिक होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। जो इनर लेयर होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन, ठीक है जी। यानी इसकी टू लेयर्स कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो हार्ड आउटर लेयर होती है, स्पॉन्जी बोन वो जो इनर लेयर होती है। स्पॉन्जी बोन के अंदर मौजूद होती हैं ब्लड वेसल्स, और इसी के साथ साथ जो स्पॉन्जी बोन्स हैं इनमें जो बोन मैरो है वो मौजूद होता है। जो मैरो होता है बोन का वो स्पॉन्जी बोन्स में होता है, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट बोन है वो तो हार्ड आउटर लेयर होती है, जो इनर लेयर होती है वो स्पॉन्जी बोन होती है, सॉफ्ट होती है, इसमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें बोन मैरो जो है वो भी मौजूद होता है। जैसे हमने ऑलरेडी कार्टिलेज की बात की थी कि जो कार्टिलेज है इसमें मैट्रिक्स होते हैं और उनमें कैलोजिन फाइबर्स मौजूद होते हैं, तो जो बोन्स हैं इनमें भी मैट्रिक्स होते हैं और उन मैट्रिक्स में भी कैलोजिन फाइबर्स हैं वो मौजूद होते हैं। इसी के साथ साथ हम एक और बात भी यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे कार्टिलेज की अगर हमने बात की थी तो कार्टिलेज जो है इसमें सेल होते हैं एक टाइप के जिसे कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, जबकि बोन्स जो हैं इनके जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें अगर हम मैच्योर बोन सेल्स की बात करें तो हमारे पास जो मैच्योर बोन सेल्स हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, यानी ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियो साइट्स।
आधा मैच्योर मैच्योर बोन सेल्स. ये जो वर्ड है ये ऑस्टियोलॉजी से मैच करता है. ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स. ठीक है जी, कि हम जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर है उनका जो फंक्शन है उसको इस ऑस्टियोलॉजी में स्टडी करते हैं. ऑस्टियो का मतलब है बोन्स, तो ऑस्टियोलॉजी से निकला ऑस्टियोसाइट्स के जो बोन्स के सेल्स हैं. साइट बोलते हैं सेल को, तो ऑस्टियोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ बोन्स, मैच्योर बोन सेल्स. तो ये हमारे पास जो है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया ह्यूमन स्केलेटन को, उसके पार्ट्स को. अब एक बात यहाँ पर नोटेबल ये है कि जो बोन्स होती हैं जो स्मॉल बेबी जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें जो बोन होती हैं जब वो जो बोन्स होती हैं 300 के करीब. जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है तो जो कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो आपस में फ्यूज्ड होती हैं, फ्यूज्ड होकर जो है वो बोन्स जो है एक दूसरे के साथ मिलकर एक लार्ज बोन बना देती हैं. तो जब वो एक अडल्ट पोजीशन पे आता है तो 300 से फिर 206 बोन्स रह जाती हैं. यानी कि जो एक अडल्ट पर्सन होता है उसमें बोन्स होती हैं 206, जबकि जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें बोन्स होती हैं 300 के करीब. 300 बोन्स में से कुछ ऐसी बोन्स जो आपस में फ्यूज होती हैं उनसे एक लॉन्ग बोन बनती है, यानी बोन एक बोन बन जाती है बहुत सी बोन्स फ्यूज होकर. तो फिर जो है वो अडल्ट स्टेज तक जो है वो 206 बोन्स रह जाती हैं और फिर थ्रू आउट द लाइफ जो है वो 206 ही चलती हैं. तो ये हमारे पास एक इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर था ह्यूमन स्केलेटन का. ओके, थैंक्स.